एक तीर से दो शिकार कैसे करते हैं ये पीएम मोदी को बहुत अच्छे से पता है। दिल्ली में जब G20 का मंच सजा तो पीएम मोदी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन उन्होंने इस मौके को भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए बखूबी इस्तेमाल किया। सारे वर्ल्ड लीडर्स जहां जहां गए उन्हें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दी। इसके लिए कैसी थी पीएम मोदी की प्लानिंग, इसी पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश रवाना हो गए, लेकिन यह सम्मेलन भारत के लिए कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहा। इस सम्मेलन के जरिए जहां भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरा, तो वहीं इस समिट के जरिए दुनिया भर के तमाम दिग्गज नेताओं को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने का मौका भी मिला। इसके लिए सबसे पहले दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि हर कदम पर मेहमानों को भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिले। फिर चाहे एयरपोर्ट से लेकर सभी विदेशी मेहमानों के होटल का रास्ता या फिर भारत मंडपम, हर जगह सांस्कृतिक कलाकृतियां उकेरी गई। जहां जहां से विदेशी मेहमान घुसे उन रास्तों पर अलग अलग प्रकार के फव्वारे लगाए गए। ज्वालामुखी फव्वारे, नोजल प्रकार के फव्वारे, घोड़े के फव्वारे, बड़े शेर के फव्वारे और रोशनी वाले जेट फव्वारे की एक श्रृंखला तैयार की गई। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा भारत मंडपम में बना कल्चरल कॉरिडोर। इस कल्चरल कॉरिडोर में हर देश की सांस्कृतिक विरासत को एक साथ एक जगह देखने का मौका मिला। 10,000 वर्ग फुट के मंडपम के करीब 30% हिस्से में इस कॉरिडोर को तैयार किया गया, जिसके तहत 20 देशों के अलावा आमंत्रित 9 देशों से उनकी सांस्कृतिक महत्व और पहचान को प्रदर्शित किया गया। यहां भारत की संस्कृति और विरासत की झलक के साथ ही 29 देशों के फिजिकल और डिजिटल फॉर्म में उनकी पहचान, सांस्कृतिक विरासत और लोकतंत्र से जुड़ी चीजें भी प्रदर्शित की गईं। G20 के शिखर सम्मेलन में दुनिया इतिहास के पन्नों से बाहर पहली बार भारत की हजारों साल पुरानी कला, संस्कृति, शिल्प, विरासत, परंपरा, धरोहर से रूबरू भारत मंडपम में मिनी भारत का प्रतिनिधित्व करता क्राफ्ट बाजार भी सजा है। भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति की झलक के साथ यहाँ प्रौद्योगिकी व तकनीक का बेजोड़ मेल ने विदेशी मेहमानों को भी खूब लुभाया। यहाँ कलाकार भारत की कला, संस्कृति, स्थानीय खान पान समेत दूसरी अनूठी चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ क्राफ्ट्स बाजार में भी आपको भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी। शुरुआत गणपति जी से हो रही है, क्योंकि गणपति जी हर शुभ काम की शुरुआत में पूजे जाते हैं। यहाँ पर गणपति जी को स्थापित किया गया है। ये बस्तर इलाके से एक मेटल की मारिया ट्राइब पोस्चर वाली ये कलाकृति लगाई गई है। ये 20वीं सदी की है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान दिखा रही है। जैसे ही आप मेरे आगे चलेंगे तो यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट आपको दिखाई देगा। ये है गोल्डन दुर्गा। इस दुर्गा प्रतिमा को लकड़ी से बनाया गया है, जिसमें कि उड़ीसा से ये आई है और इस गोल्डन दुर्गा के 20 हाथ हैं। ये नेशनल म्यूजियम ऑफ गैलरी से लाकर यहाँ लाई गई है भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक और हेल्प डेस्क है। यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति में शिव, पार्वती और गणेश तीनों की प्रतिमाओं का खास महत्व है। वो ये प्रतिमाएं यहाँ दिखाई जा रही हैं। ब्रॉन्ज से बनी हैं, तमिलनाडु से आई हैं, 19वीं सदी में बनी हुई ये प्रतिमाएं हैं। और इसमें शिवजी आपको दिखाई दे रहे होंगे, बीच में गणपति और खड़े हुई मुद्रा में माता पार्वती आपको यहाँ दिखाई दे। क्राफ्ट बाजार में विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति से पहचान कराती एक से एक चीज देखने को मिली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।